हेलो एंड वेलकम टू द गौरव गौरा शो दोस्तों आपने कई सारे एपिसोड्स देखे हमें सराहा एंड यू एप्रिशिएटेड यू फॉर दैट यू हैव हर्ड अबाउट एंड सीन इंडियन आर्मी ऑपरेशन इन कश्मीर इन सियाचिन एंड द ऑफिसर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी टूडे इज अ वेटर ऑफ बोथ बट टूडे यू गोन स्पीक अबाउट इंटरनेशनल ऑपरेशन यानी कि भारतीय सेना के ऑपरेशन फॉरन सॉइल में मेरे साथ हैं मेजर समरपाल सिंह तूर बहुत-बहुत स्वागत है हमारी शो में सर थैंक यू वेरी मच सर इट्स में ऑपरेशन करे आपने कश्मीर में ऑपरेशन करे और बड़ा इंटरेस्टिंग करियर लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फॉरिन में ये कैसा रहा यूएन यूएन मिशन पे आप लोग गए थे जब sir. आप बात कर रहे थे आपका ताल्लुक इर्थ बटालियन राजकुताना राइफल से है जी, तो आप यूएन मिशन में गए थे साउथ सूडान सर क्यों गए वहां पे सर वहाँ पे बेसिकली ये सबसे न्यू कंट्री है सर 2011 में इसका फॉर्मेशन हुआ सर एंड वहाँ पे वाइस हु वाज अ दिनका वो दिनका ट्राइब के थे ही वाज फ्रॉम अ न्यूअर ट्राइब द वाइस प्रेसिडेंट रीक मशार एंड प्रेसिडेंट सलवाकीर वाज अ दिनका तो इन दोनों ट्राइब्स का हैड अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पहले सो so, जिस दिन हमें जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट जानी थी सर साउथ सूडान उसी फ्लाइट की कार्गो बेस है सर डिटेल टू रिसमेंट एंडपाल सरवाइज एंड सर जब ये मंजर वहां पर अनफोल्ड होता हुआ दिखा जहां पे की मेरी पलटन के बंदे लाइन अप हुए हुए उसी एयरक्राफ्ट को बोर्ड करने के लिए और वहां परली साइड से ये ताबूत बाहर आ रहे थे hmm. आई मीन सर इतना वो जो मिसकनसेप्शन था कि नहीं इट इज अ पीस कीपिंग मिशन एवरीथिंग बहुत बढ़िया रहेगा जोन ये क्लियर हो गया वो क्लियर हो गया क्योंकि और ये बयान हुआ जब हम एक दूसरे की आंखों में आंख डाल के ही वीवर स्क्रीमिंग बाय कम्युनिकेशन बाय ओनली लुकिंग इन टू इच अदर्स आईस एंड वन जेस यू केम अपू मीस एट साब आपको क्या लगता है कि ये स, जितने सर हमारे वहां पे पहुंच रहे हैं उतने वापस आएंगे मैं क्या साहब गारंटी मैं देता हूं आएंगे जरूर या तो जिंदा या तिरंगा में लिपटे हुए पर आएंगे जरूर वापस कोई छूटेगा नहीं पीछे लीव लीव नो नो मैन मैन बिहाइंड अच्छा टेल मी समथिंग आप लोग साउथ सूडान पहुंचे वहां पे आपको क्या देखा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा सर वहां पे इट इज नॉट अ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि दिनका ट्राइब में आई हैव सीन

पावर स्नैचिंग का वो पावर स्नैच कर लेता है तो अनफॉर्चुनेटली सर फर्स्ट वीक ऑफ डिसंबर ऐसा कोई एक्शन याद है आपको याद तो होगा यू वर इन मिडल ऑफ ऑल दैट ऐसा कुछ था जहां पे आपने देखा खून खराबा सामने से लोग आ रहे हैं कई सौ कई हजारों की तादाद से लोग आ रहे हैं अटैक करने के लिए उसके बारे में बताइए ना सर ये मंजर था पच्चीस दिसंबर दो हजार तेरह क्रिसमस डे क्रिसमस डे और हमने अपने मोर्चे और सब कुछ इख्तियार कर लिए थे रेडी करके बहत्तर घंटे में हमें तीन दिन पहले इनपुट मिल गया था कि कोई हरकत हो सकती है बट जैसे हम जानते हैं कि इन्फेंट्री विल नॉट टेक एनी इंटेलिजेंस इनपुट लाइटली तो हमने अपनी तैयारी वैसे शुरू कर दी टैक्टिकली हम अपने वेपन वेपन सिस्टम्स सिस्टम्स और कंपनी कंपनी लेवल के अपनी अपनी जगहों पे लगाए साइड करना शुरू कर दिया वो हो गया एंड सर फिर कोई वेंटेज पॉइंट नहीं था क्योंकि आजू बाजू जो घास था वो आठ आठ फुट था आ. तो वी डिड नॉट है वेंटेज पॉइंट तो सीओ ने सबको एक जनरल टास्क दिया कि आई नीड आई नीड आईज एंड ईयर फ्रॉम दिस कैंप क्योंकि जब तक वो पहुंचेंगे फेंस तक तब तक अटैक विल स्टार्ट

वहाँ पे नो पेट्रोलिंग चल रही है रेफ्यूजी से इंट्रैक्शन चल रही है आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे फेंसिंग न्यू ले करनी है टू ले पेरीमीटर फॉर द रेफ्यूजीज़ क्योंकि सर रातों रात अगर आपके पास दस हज़ार बंदे हैं उन्हें कहाँ रखोगे तो हमारे एडजॉइनिंग जो फ्लैट ग्राउंड था उसी को हमने मेक शिफ्ट रेफ्यूजी कैंप का एरिया बनाया और हमने कॉन्सनटीना वायर्स बिछाने लगे और <coughs> एसको बास्केट्स होती हैं सर उसके अंदर फिर हम क्रेन के साथ मड के साथ वॉल बनाने लगे पर वेंटेज पॉइंट यहीं पे था तो सर 25 दिसंबर सुबह जब हमला हुआ तो तब तकरीबन मैंने धूल देखी उठती हुई तो यूजली जब हर्ड्स होते हैं हंड्रेड्स में माइग्रेशन होती थी तो तब इतनी धूल उठते हुए मैंने देखा था म, मवेशी मवेशी जो होते हैं सर जो, मवेशी, जो में चलते हैं में आ, हजारों की तादाद में चलते हैं। But यहां पे सर वेन आई सडनली सौ की ब्राउन ग्रास के बैकग्राउंड में पीछे से धीरे धीरे इंसानों की ही लाइनें आ रही हैं। उस टाइम सर मैंने सात बज के पांच मिनट पे रेडियो इन किया कि अटैक इमिनेंट मोस्ट लाइकली टाइम ऑफ अटैक इज विद इन टेन मिनट्स फिर मुझे रेडियो पे मैसेज आया स्ट्रेंथ मैं क्या एज फार एज आई कैन सी आई कैन नॉट बी एक्ट बट दे आर इन थाउजेंड एंड वंस द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड ऑलमोस्ट लाइक ट्वेंटी डेज पास बाय देन वी वर टोल्ड देवर अप्रोक्सीमेटली सिक्स थाउजेंड आर्म डिबल्स छह हजार बंदों ने अटैक करा बताई मैं तू

सो so बेसिकली वो हमारे बीच में सैंडविच हो गए थे द रिबेल फोर्सिसंक सो वेन दे केम टू अटैक आर हेडक्वार्टो वहां से अल्फा कंपनी रेडियो इन दैट यू गाइज ओपन अपी आर टेकिंग कवर बिकॉज देवर इन आर रेंज वंस वी ओपनड अप देन दे रैन टुअर्ड्स द अल्फा कंपनी साइड टूवर्ड्स द रिवर बैंक Then from there then Alpha Company said okay now you guys take over we are going to open up. हाँ. Uh -huh. So initially sir सर uh, see they are not trained tactically. The rebels no ha uh, rebels. आ uh, they they depend on volumes ha uh, हाँ uh, uh, volumes uh, and, and fire भी karte the sir hip hip pe fire karte the हाँ Hollywood style they used to fire without taking accurate aim. तो हम मतलब my troops had enough confidence कि हम अगर एक aimed fire लेंगे तो एक गोली is one kill.

और मोटर फायर में वन ऑफ द मोटर्स फेल इन टू द पैथलैब ऑफ द हॉस्पिटल लेवल टू हॉस्पिटल जहां पे सारे ब्लड टेस्ट एंड एवरीथिंग यू शू टेक प्लेस उसके बाद सर देन वी गॉट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड फ्रॉम जुबा दैट लेवल ऑफ एंगेजमेंट इज मूव टू चैप्टर सेवन सो चैप्टर सेवन में होता है सर दैट राउंड इज इन द वेपन एंड इट इज अप टू यू इफ यू वॉन्ट टू कीप इट ऑन सेफ और यू वॉन्ट टू कीप इट ऑन फायर तो हम तो सर फायर पर रखा था बिकॉज अल्टीमेटली आर एम वॉज टू प्रोटेक्ट यू एन एसेट्स यू एन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोर ओवर सर वी हैड टू है आर स्टेट कोर्डिनेटर वॉज मिसेज शीन एंड देर यू एन पुलिस ऑफिसर उन ऑफिसर कॉल्ड शॉन रोड्स ये कहाँ फंस गया फ्रॉम न्यूयॉर्क इट से शीन वॉज आर बॉस overall in malakal and uh, sean rhodes was part of the un police contingent who's to uh, be there for manning the gates and checking everything and administration and everything so sean rhodes may to when this war started he said uh, i was a captain then sir he said captain summer can you give me a weapon training on this rifle in SARS i said why he said because i don't have faith on any other contingent there were i will not name the countries but there were three countries who were there at our location it will be wrong if i state their names at the international forum sir but when he said this to me i took a sense of pride immense pride because he was so dependable on us and he had faith and trust in us he said if i want to if i will die i would really not mind dying next to you guys fighting the rebels because i've seen you guys operate you're professionally very sound

कि नहीं मेरा साहब मेरे साथ है कंधे से कंधा में लाके है और ये ज्यादा जोश में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी तो इसे ठंडा भी रखना है सो दैट टाइम सर आर 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 से मतलब हवलदार जितेंदर नाउ रिटायर्ड ही इज इन ग्वालियर नाउ सो टू कीप गाइडिंग मी लाइक साहब अब सर जो होते हैं जापूत हो तो उनकी लैंग्वेज ही थोड़ी कड़क होती है साहब ज्यादा उछलो मत तरबूज की तरह फटेगा जब ये नीली हेलमेट देखेंगे ऊपर जाते हुए तो तो मैं कहता उस्ताद पर देखना भी तो है ना हमारी ओर आ कौन रहा है हम पे वार करने के लिए कोई देखेगा ही नहीं तो पता क्या चलेगा कहते ध्यान रखना आपको कुछ हो गया ना मैं जिंदगी भर जवाब नहीं दे पाऊंगा किसी को सो दैट वॉज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी ऑल हैड फॉर वन एन अदर सर सो टेल मी ये जब बोला कि साहब अटैक है वो छह हजार का ना और पीछे अल्फा इधर अल्फाइर है, है बीच में सैंडविच हो गए डिड यू कॉल फॉर बैकअप सर देर वॉज नो बैकअप वी वर आवर ओन बैकअप जो हमने मोर्चे डिग इन किए थे तो बंदे फिर कितने है? मतलब हेडक्वार्टर ले लो अल्फा ले लो आप तीन सौ चार सौ बंदों को बात करो मैक्सिम बोल रहा होंगे एक प्लाटून कम कर लो सर चार सौ में से कोई छुट्टी पे भी होगा कोई रोटेशन पे भी होगा कोई होगा हाँ तो वी हैड वेरी लिमिटेड मैन पावर बट द बेस्ट पार्ट इज एक भी जवान टस से मस नहीं हुआ अपनी पोस्ट पे टेस्टेड आर पेशेंस वो हमारे 100 मीटर तक आ गए थे एट फ्यू पोस्ट पॉइंटिंग द वेपन एट आर सोल्जर्स एक भी जवान फ्लिंच नहीं किया एक भी जवान नीचे या दाएं बाएं नहीं हुआ वो आंखों में आंखें डाल के देख रहा था कि तू कर तू बस एक बार ट्रिगर दबा फिर तू देख तू देखने लायक ही नहीं रहेगा कि आगे होगा क्या एंड सर दे न्यू

जब गोली दूर तक जाती है ना तो साथ में वो साउंड बैरियर तोड़ते जाती है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साउंड, साउंड। ना? इन फुल ऑटो, कुछ गया, There, <laughs> गया, गया।, गया। I mean, ट्रेनिंग में बताते कारगर हथियार है साहब कि जो पानी के भाव को भी रोक सकता है अगर आप फुल बर्स्ट में मारो इसको इट इज क्विक क्वेक

सो वी हैव टू बी टेक्निकली वेरी साउंड एंड प्रोफेशनल सो वी वी यूजली सर इसके बाद अटैक हुआ एंड अटैक जब हमने तीन चार बार जब एम्बुश हमने इनका थॉट किया उसके बाद सर इनमें से इनका रिप्रेजेंटेटिव आया बोला कि अंदर गवर्नर ऑफ मलाकाल है उसे बाहर निकालो अदर इज वी विल फ्लैट इन द कैंप

एंड सर एक वो दिस लाइन एंड यू नो विल नेवर फट कि मारेंगे तो मारते मारते मरेंगे या फिर मरेंगे तो इनको साथ लेके मरेंगे एंड आई टोल्ड माय ट्रूप्स कि हम ऐसी लड़ाई लड़ेंगे ना चाहे जान चली जाए इनके इतिहास के पन्नों में हमारी कहानी लिखी जाएगी इनकी कहानी नहीं लिखी जाएगी अच्छा डेड वी सफर कैजुअल्टीज सर वी सफर टू फेटल कैजुअल्टीज इन अकोबो

बास्ड इन टू दिस कैंप इन अकोबो एंड दे शॉट टू ऑफ आर जे सी ओज एंड पॉइंट ब्लैंक इन द चेस्ट एंड राइफल मैन मंडल ई एम ई का था सर यू व आर्मिनर यू वर शॉट इन द चेस्ट नॉन फेटल एंड दे किल्ड फोर्टी सिक्स दिन काज रेफ्यूजीज दे मे एक दम नील डाउन एंड सबको सर सर के पीछे हेड शॉट्स लिए दैट इज़ द टाइम वेन दीज जे सी ओज वेंट इन

एंड आई हैव सीन सर जब भी कोई भी रिबेल या एस पी एल ए जो सुडनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच जब भी झड़प होती थी एंड यू कैंटन स्पेशल फोर्सेज भी आई थी मालाकाल में अनप्रोफेषनल अन बिकॉज सर वेन यू कम इन एज अ स्पेशल फोर्सेज यूनिट और अ कंटिजेंट फॉर अ स्पेशन यू शुड नो एग्जैक्टली रूट इन और रूट आउट क्या क्या है दे ओनली न्यू ये मोर्चे यहाँ संभाल लें रूट आउट उन्हें कुछ नहीं पता था ये कैसी यूनिट है सर बिकॉज आफ्टर द अटैक केम ऑफ द रिबल्स दे मैसेड हाफ ऑफ देर आर्मी सर आई मीन वहां पे मलाकाल टीचिंग हॉस्पिटल था आई विटनेस्ड वेन वी वेंट ऑन अ पेट्रोल आफ्टर द अटैक्स आफ्टर थ्री डेज हॉस्पिटल में बॉडीज आर देयर विदाउट हेड्स सर को सभी के सर काट के इन्होंने रिसेप्शन के टेबल पे लेआउट किए हुए थे रखे हुए थे लिटरली

आई इस टू टेल द ड्राइवर नहीं ध्यान से यहाँ पे बॉडी गाड़ी उस साइड से लेके जाओ तो जो रास्ता हमें आधे घंटे में करना होता था वो हम डेढ़ घंटे में करते थे सो इवेंचुअली वी बिकेम सो बैटल हार्डन दैट आई सेड नहीं टाइम इज क्रिटिकालिटी एंड इवेंचुअली सर बॉडी इज व बींगटन बाई डॉग्स बाई बर्ड्स स्कैज्ड बाई वल्चर्स तो मैंने कहा अब कुछ बचा ही नहीं है तो मैं एथिक और वैल्यूज के साथ करूँ क्या देर इज नो बडी देर

देखो ना ये ट्रेनिंग वहीं पे काम आती है सर वरना छह हजार बंदा हथियार बंद सामने से आ जाए तितर बितर होना इज द फर्स्ट रिएक्शन योर फर्स्ट रिएक्शन इज टू फ्ली बट इफ द ट्रूप्स आर देयर द बॉन्डिंग द स्पिरिट डी कोर द रेजिमेंटेशन एंड अबाउट ऑल द ट्रेनिंग एंड द डिसिप्लिन ऑफ द ट्रूप्स दैट कम बॉस यहां पर रहना ये मोर्चा यहां से फायर करेंगे मेक एवरी बुलेट काउंट बाई हाथ दाई हाथ बस 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 एंड आई विल नॉट नेम द कंट्री दंट्री एक पोस्ट वॉज अड और वो कंटेडेंट जाके अपने कैस्पर व्हीकल में बैठ गया था आई वेंट फर्स्ट अलोन देयर टू मैन इट विद विद जी मशीन गन ऑन सी मी टू ऑफ माई ट्रूप्स केम रनिंग साहब आप यहां अकेले हो मैं कहा वहां पे जे साहब हैं संभाल लेंगे मैं यहाँ पे हूं इधर कोई नहीं है इधर ऑफिस कॉम्प्लेक्स है देन दे टू केम अप

एंड ठीक है बट देोड अस बिकॉज वी वर लीडिंग माई एग्जाम्पल्पल सो एंड मोर ओवर पीपल क्वेश्चन की वाई शुड आर सोल्जर्स गेट मार्टेड ऑन फॉरन सॉयल क्यों शहीद हो रहे हैं क्या मतलब है देन आई मीन अगर हम बोलते हैं न कि द इंडियन आर्मीजू है वर्ल्ड स्टेजिंग ग्लोबल रिकग्निशन देन ऑल अदर वर्ल्ड पास दैट आर एग्जिस्टिंग टूडे Have their military bases and sacrifices made all over the world. So uh, you you can't just say here we will only operate in Siachen or Valley or ha, north -east and we will become there. a world power. Uh, you, no, you have to go abroad here. We ha to go, I have, we no doubt have about to operate on overseas soils. Ah, okay. and, and there, be will, be sacrifices there made. will be sacrifices. <laughs> that is war. That is that is a profession. That is the profession we are in, right? Exactly, oh, sir. We are, I mean, sir, we are trained uh, to be killing machines ah. and mentally prepared to lay down our lives for our nation. Okay. So, uh, फेस्टिक क्या दिस इज रियली वेरी रिविलिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू अर शो इन डीड एंड ऑर्डर प्रिविलज एंडार बड़ा अच्छा लगा रफ की स्टोरी सुन के ना बंदे में समझ सकता हूँजिन दुम देर एंड सेंगे ठीक है कोई बात नहीं बताओ क्या करना हिस्ट्री you know? you know, you know, में पढ़ा है हमने कि हंड्रेड ऑफ देम चार्जिंग टू यू बट जब वो घबराहट एंड हार्ट रेट बढ़ जाता है ना तब आपको बोलने की नहीं जरूरत एक दूसरे को करना क्या है ऐसे देखते हैं इशारा बंदा मेरी तरफ देखता है और वो लिटरली एजीएल को चार्ज कर रहा होता है वाई लुकिंग एट मी एंड जस्ट नॉटिंग इज हेड ही एंड देन आई डू दिस डटे रहना बस बस एंड आई एम देयर बस एंड Well, yes sir and we really don't mind sir to we are ready mentally that the children become why wife becomes a widow we are mentally prepared because for us it is a non-compromise patriotism nation comes first now always and forever hmm. yeah obviously and that is how it will always remain sir absolutely sir and so Major Samartur thank you very much for sir. coming to Republic and it was a wonderful experience talking to you sir and our uh, you know uh,

इन टर्मसपिर इन टर्म्स ऑफ रेजिमेंटल स्पिरट ये बड़ी सॉलिड चीज है जो मेजर तूर ने हमें एपिसोड देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा नए अचीवर के साथ हमारे साथ, साथ, साथ बने रहिएगा जय हिंद